दुनिया भर में डायबिटीज मेलिटस और हाइपरटेंशन दो साइलेंस किलर माने जाते हैं और हृदय रोग के लिए सबसे आम जोखिम कारक भी हैं। डॉक्टर संजय बडाड, एंडोक्रिनोलॉजी डिपार्टमेंट पीजीआई चंडीगढ़ के प्रोफेसर ने पैनल चर्चा के दौरान ये चौंका देने वाले तथ्य रखे, आइए दिखाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर सोनू गोयल है, मैं ये चंडीगढ़ में पीजीआई में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में। आज का जो हमने ये कंसल्टेशन करी है, मीडिया कंसल्टेशन, वो एक वर्ल्ड डायबिटिक डे के उपलक्ष्य में करी है। कल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाया जा रहा है और उसके अंतर्गत हमने मीडिया वालों को बुलाया है और इसका पर्पस यही है कि लोगों में अवेयरनेस हो कि डायबिटिक और हाइपरटेंशन ये दोनों साइलेंट किलर हैं, उनको हम कैसे टैकल कर सकें। ये दोनों जो अभी डायबिटीज़ की बात करें तो हमारे देश में 7.5 करोड़ जो हैं वो लोग डायबिटिक हैं और उसमें से आधे लोगों को पता नहीं है कि उनको डायबिटीज़ है। तो हमें न सिर्फ उन लोगों को जो डायबिटीज़ है उनका प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो जो दवाइयाँ देते हैं वो लेनी चाहिए उनको, और उनको जो बाकी चीज़ें हम बताते हैं कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज़ के, हाइपरटेंशन, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पर जो लोग 40 ईयर्स एंड अबो हो गए हैं उनको अपना एक डायबिटिक का एग्जामिनेशन एवरी ईयर एटलीस्ट अपने आप को एक सिंपल डायबिटिक टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा हम यही बोलते हैं कि डायबिटीज़ का कोई क्योर नहीं है पर इसका प्रिवेंशन बहुत संभव है। जैसे कि हमारा जो मोटापा है सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का, अगर BMI 25 से ऊपर हो जाता है तो उसके डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें हमारे को यही है कि 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीडे ब्रिस्क वॉक करें। 30 से 40 मिनट का अगर हम योगा कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए। और इसके अलावा हमारी जो सिगरेट स्मोकिंग, जो स्मोकिंग है, टबैको यूज़ है, उसको कम करें। और ट्रांस फैट युक्त आइटम, जो फूड रिच इन ट्रांस फैट्स हुए या फिर हाई शुगर कंटेंट हुआ, हाई सॉल्ट कंटेंट हुआ, तो वो बहुत कम लेने चाहिए, जिसमें कि ये पिज़्ज़ा, बर्गर और कैंड फूड्स आते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है आप मीडिया वालों से कि आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों को पहुँचाएँ, और जो सरकार है उस पर मतलब ये होना चाहिए कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से मृत्यु होती है जो दिखती नहीं है, तो इसके ऊपर दोबारा ध्यान आकर्षित करने की ज़रूरत है। और इसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं, जैसे हम बाई डायरेक्शनल स्क्रीनिंग की बात करते हैं कि हाइपरटेंशन वाले जो लोग हैं उनका डायबिटीज़ की भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और डायबिटीज़ वालों की हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग। सर, ये 40+ के लिए ही ज़्यादातर घातक रहता है कि डायबिटीज़ होने के चांसेस? देखो, आजकल तो ये डॉक्टर संजय हैं वो बताएंगे कि जो मरीज़ हैं वो यंग एज के भी लोग आ रहे हैं डायबिटीज़ के अंदर, तो 40 के लिए तो ट्रेडिशनल। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना।